ये कुर्सी है जिस कुर्सी पर बैठकर बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा था, एक्चुअल ये वो कुर्सी है। आइए राजीव जी वहाँ खड़े रहो। ये है चिचोली, मिस्टर राजीव रतन जो चिचोली आए हैं। ये वो जगह है जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में जो चीज़ों का उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था, वो चीज़ें यहाँ पे संग्रहित तौर पे रखी गई। यहाँ तक कि यहाँ पे वो कुर्सी है जिस कुर्सी में बैठकर बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा था, इस जगह वो कुर्सी आज भी रखी गई है। ये वो तस्वीरें जो खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथों से बनाई हैं। ये देखिए ये ओरिजिनल बाबा साहब ने खुद बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई तस्वीर। इस पर से हम ये जानते हैं कि बाबा साहब एक उत्कृष्ट चित्रकार भी थे। ये वो जगह है जहाँ पे वामनराव जी गोड़बोले रहा करते थे। ये है वामनराव जी गोड़बोले, इनकी तस्वीर जो आज दुनिया में नहीं है, एक साल पहले अभी अभी ही चल बसे। ये टुकड़ो जी प्रबोधनकार हो गए गार्गे महाराज जी से।
बाबा साहब अम्बेडकर के बना हुए भारतीय संविधान की ताकत है। सुनिएगा मेरी बात, कि दिल में बार बार आता यही ख्याल है, कि दिल में बार बार आता यही ख्याल है, लोग नहीं समझते किसी बात का मलाल है। अरे चाय बेचने वाले को भी बना दिया राजा, ये किसी और का नहीं बल्कि संविधान का कमाल है। लेकिन आइए, भारत की समस्त नारियों को ये लाइनें मैं भेंट कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा, नीच कही जाती नारी को इसने बनाया राजा। राजा चलती है आज उठाकर घूंघट वो शान से, चलती है आज उठाकर घूंघट वो शान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। अरे उनके पहले जो खोबरागढ़ी जी से बात किया, ये वही कुर्सी है जहाँ गौतम बुद्ध की तस्वीर रखी है, ये वही कुर्सी है जिस कुर्सी में बैठ के बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, ये वही कुर्सी है जिस कुर्सी पर बैठकर बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। अरे यार एक्चुअल जो है ना, ये वो कुर्सी है, ये कुर्सी है जिस कुर्सी पर बैठकर बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा था, एक्चुअल ये वो कुर्सी है। आइए राजीव जी, वहाँ खड़े रहिए। ये वो कुर्सी है जहाँ बाबा साहब ने बैठकर संविधान लिखे। देखिए ये वो कुर्सी, बाबा साहब की तस्वीर भी रखी है। उस समय की ये बहुत बेहतरीन कुर्सी है, ये बाबा साहब के जमाने में जब पेपर निकलता था मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा साहब ने लिखा हुआ लेख, सबको लिखा है दलितांचा देवतांचे महानिर्वाण। बाबा साहब को महानिर्वाण हुआ था उसकी या अंधेरे में क्लियर नहीं आएगा, पर अंधेरा इतना है। ये टाइप राइटर बाबा साहब के जमाने का, Thank you.
ये वो चीज़ें हैं बाबा साहब ने अपने हाथ में पहनी थी, आज हमें इसे चित्र के रूप में देख रहे हैं। देखिए ये चीज तबियत हमेशा खराब रहती थी तो रुमाल बांध के रहा करते थे। ये सारी चीजें इनकी तस्वीर अभी आपने देखी। राजीव जी इधर देखे, वो तो कुछ नहीं आएगा है। ये वो बाबा साहब के इस्तेमाल की चीजों का संग्रहालय है जो अभी अभी हमने अंदर से देखा है। ये है बाहरी ऑप्शन, इसी के बाजू में बिहार जो वामनराव जी गोड़बोले ने बनाया है, उसकी विशेषताएं हैं 32x56। 32 मीन्स 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी पुणे पैक्ट की, और 1956 में बाबा साहब का देहांत हुआ था, इसलिए ये 32x56 ये शांति विहार करके वामनराव जी गोड़बोले ने बनाया। इसे वामनराव जी गोड़बोले ने इस परिसर को शांतिवन करके नाम दिया है। देखिए इस विहार में एंट्री करते हुए राजीव जी जो लखनऊ से आए हुए हैं। बाइबल पे क्रिश्चियन।